मैं तो ये देखता हूँ कि आप ये भी मैसेज दे रहे हैं कि जिस हलके में 12 लाख आदमी चूज कर रहा है, जिस हलके में 4 लाख आदमी चूज कर रहा है, इसका मतलब जो 12 लाख आदमी है उनकी हैसियत उनसे आधी है, कि वही हक जो 4 लाख आदमी का है वो इस हलके के 12 लाख आदमी को है। तो वो तो आदमी मुझे कहा ना कि आप काले पीले टाइप लोग हैं, आप क्या आ गए गरीब से काले पीले, आपको तो हक ही नहीं है, ये क्या फुर्ती है आपके इलेक्शन की। थोड़ा सा एक मिनट जो आपने स्टार्ट किया था रजा रब्बानी के बारे में, एक मिनट, एक आधा मिनट, रजा रब्बानी साहब से जो भुट्टो फैमिली के साथ ख़ास तौर पर बेनजीर भुट्टो साहब के साथ इतनी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। 91 में रजा रब्बानी साहब ने सेनेट का इंतखाब लड़ा था टेक्नोक्रेट सीट पर, मैथ रिटर्निंग ऑफिसर सीट में, तो हमने इनके पेपर रिजेक्ट इस बुनियाद पर किए थे कि टेक्नोक्रेट्स में नहीं आते थे, ये तो कभी सेशन जैसे आगे नहीं गए तो बकायदा हाई कोर्ट से पोर्ट को दूसरी बात है। तो उस टाइम भी बेनजीर भुट्टो साहिबा जो थी वो इनको टिकट देने की बड़े हक में नहीं थी, तो उस तो आसिफ अली जरदारी साहब जेल में थे तो उन्होंने इनको टिकट वहाँ से सिफारिश की कि इनको टिकट दिया जाए। जब हमने उनके पेपर रिजेक्ट किए तो फिर उन्होंने अपील भी की, अपील भी रिजेक्ट हो गई, तो इसके बाद इकबाल हैदर साहब का टिकट दिया गया था, वो कवरिंग कैंडिडेट थे और वो इलेक्ट हो गए थे टेक्नोक्रेट सीट पर। 2006 में जब इनका दोबारा सेनेट का इलेक्शन होने लगा तो उस वक्त भी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब इनके बारे में कुछ तहफात रखती थी और ये ख्याल था कि इनको टिकट ना दिया जाए। तो हमने पूछा पार्टी के लोगों से मसला किया, जैसे आपने पता किया, तो वो उस वक्त NRO के सिलसिले में मसरूफ़ थी बेनजीर भुट्टो साहब पर, और रजा रब्बानी के बारे में और सफदर अब्बासी के बारे में वो ये था कि ये बड़े हॉक्स किस्म के हैं, ये मेरे रास्ते में रुकावट डालेंगे, तो उनकी ख्वाहिश ये थी कि सेनेट में ना आए। उस वक्त भी आसिफ जरदारी साहब के कहने पर रजा रब्बानी साहब सेनेटर बने 2006 में, जो अब तक चले आ रहे हैं। तो थोड़ी सी मैंने ये बैकग्राउंड आपकी सोच चीज़ वाजे होगी, जब रिटर्निंग ऑफिसर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इन खबरों में लगे हों तो उसका मतलब इलेक्शन जिस तरह के हो रहे थे वो नजर आ गया। तो साहब नहीं 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 हूँ सर पता लग गया की कर दे 91 की बात है ना, 91 में 91 तो जहर है तो आते तो नहीं चेंज होती, तो नवाज शरीफ साहब जो थे वो नहीं, हमने कहा नहीं बनते नहीं, एक सेशन जज कोर्ट में पेश होने वाला वकील वो टेक्नोक्रेट सीट पर कैसे आ सकता। अच्छा चले इस पे आ जाए, हो गई बात इस पे आ जाए। अच्छा अब ये जो हल्का बंदी में ठीक है, रिजवी साहब ने बड़ा इस पर काम किया, लेकिन हम आवाम की सहूलत के लिए ये कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बुनियादी तौर पर इसका ढांचा तब्दील किया, ये नहीं करना चाहिए था। उसका ये था कि इन्होंने पूरा बुनियादी हिला दी, बुनियाद ये थी कि जो 1950 से लेकर 2013 तक जो हल्का बंदी थी एन ए पेशावर होता था हमेशा, वो चतराल पे ले गए, उससे का सारा एन ए वन से शुरू होता था वहाँ से, एन ए पेशावर हमेशा लोगों के जहन पे भी था कि भी एन ए वन पेशावर और तमाम। अब जो उन्होंने जब चतराल किया तो पूरा ढांचा तब्दील कर दिया गया, तो हमारा पॉइंट अभी था भी आपने तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं फ़र्क ये पड़ा कि लोगों के अंदर एक याददाश्त थी कि हमारा एन ए पेशावर ये है, पिंडी ये है, इस तरीके से बाकायदा उनके जहन पे बात आ रही थी। और दूसरा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो एक ठीक है नॉर्थ से लेकर नीचे तक आए हैं ये ठीक है, यह बिल्कुल डिलिमिटेशन का असूल है, लेकिन एक बात जो उनके साथ जो पैदा हो गई है, तशवीश पैदा हो गई है, वो ये हुआ कि इन्होंने UNDP के जो थे ना मशीरान एडवाइज़र्स टेक्निकल डेवलपमेंट प्रोग्राम उनके UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, तो उसके बाद वहाँ की खिदमात उन्होंने हासिल की, उन्होंने वो सारा एक नया नक्शा बना के क्लाक वाइज नई इस तरह निकाली क्लाक वाइज, इससे हमारे स्टेक होल्डरों के जहन पर आई है बात क्या हो रही है। इस तरह मुद्दसर रजवी साहब जो कह रहे हैं ना, उनका मैंने पढ़ा स्टेटमेंट, उस पर होता है कि ये हल्का बंदियाँ जो होती हैं उस पर वोटर का कोई फर्क नहीं पड़ता, वोटर का काम होता है जो हमारी पोलिंग स्टीम बनेगी, पोलिंग स्टेशन बनेगी, उस वक्त वोटर्स का तस्वर क्यों नहीं पड़ता। लॉ मिनिस्टर का बयान है, उसने कहा मेरा घर मेरे हल्के में से निकाल दिया, लॉ सिटिंग लॉ मिनिस्टर वर्क साहब मेरा घर मेरे हल्के से निकल के मैं इलेक्शन लड़ूंगा, नहीं नहीं वो तो बासी काफ़ी लोगों को इसमें शिकायतें आ रही हैं, बल्कि ये हो रहा है कि शेख रशीद साहब भी कह रहे थे हमें कि जी मुझे शामिल कर दिया गुजर खान से ले गए, जो मैं सारी उम्र यहीं पापे खाता रहा अपने हल्के में और मुझे गुजर खां पहुँचा दिया, तो ये हुआ है ये मामला, इसके बारे में शिकायत काफ़ी गहरी